नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौरे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी वायर पे। और मित्रों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस स्पेशल क्विज सीरीज। और मित्रों, हम इसमें कवर करेंगे 1300 प्लस क्वेश्चन बायो के, 700 प्लस क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के, और इसमें फिजिक्स के होंगे आपके 1200 से 1300 क्वेश्चन। तो मित्रों, ये समथिंग 3300 से 3500 क्वेश्चन ऐसे कवर किए जाएंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम या आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे उसमें 100% पूछे जाने की संभावना होगी। और ये थोड़े उच्च लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आप अदर बुकों से या मार्केट में आप देख रहे होंगे, तो जो क्वेश्चन चल रहे हैं या जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं और आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमने जो पढ़ा वो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। तो इसमें वो सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और वो सारे लेवल जिनका अच्छा हो, जो कॉन्सेप्ट बेस हो, और इसमें वो सारी चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन की जाएगी जो उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द हो, मतलब आसपास की सारी चीज़ें भी कवर की जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आप 3 या 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो मित्रों, अगर हम मान लो 3000 भी क्वेश्चन करते हैं तो समथिंग आपके 9 से 10 हज़ार क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इस सीरीज़ के माध्यम से। और यदि आप ये पूरी सीरीज़ कवर कर लेते हैं या देखते हैं तो 100% गारंटी होगी कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में आता है तो ठीक है। और इसमें जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आप अदर बुकों से पढ़ रहे होंगे, वो भी सारे कवर करा दिए जाएंगे। तो आइए मित्रों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। तो पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है, तो मित्रों ये निकाला जाता है फफूंदी से, ठीक है। किससे निकाला जाता है, तो फफूंदी से। आप देखेंगे कि फफूंदी, अब यहाँ हम ये भी बात कर सकते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब की थी, तो ये की थी 1929 में। और अब पेनिसिलिन अगर फफूंदी से पाया जाता है तो किस प्रकार के फफूंदी से पाया जाता है, तो पेनिसिलिन नॉट्रेट नामक फफूंदी से पाया जाता है। कौन से फफूंदी से, नॉट्रेट, याद रखिएगा, नॉट्रेट नामक फफूंदी से क्या निकाला जाता है, तो पेनिसिलिन। यह एक एंटीबायोटिक दवा है, क्या है, एंटीबायोटिक दवा है। इसका प्रयोग कवक तथा जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के निदान के लिए किया जाता है। मतलब जो पेनिसिलिन का यूज़ आप कहाँ कर रहे हैं, तो इसका यूज़ वहाँ किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक दवा है, कौन सी, एंटीबायोटिक, जो कि जीवाणुओं और कवक को नष्ट करती है। मतलब जिनका प्रयोग कवक एवं जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के निदान के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है। तो एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है, तो पहला ऑप्शन है यह WBC के उत्पादन को बढ़ाता है, यह प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है, यह जीवाणुओं के विरुद्ध अविष बनाता है, और यह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। तो मित्रों, अगर आप इसको समझोगे तो एक रोगी में प्रतिजैविक, और प्रतिजैविक का मतलब होता है प्रतिजैविकता या किसी के प्रति काम करना, इसका मतलब होता है, इसका आंसर आ जाएगा यह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। कौन, तो एंटी, जो प्रतिजैविक होती है, जितनी भी प्रतिजैविक दवाएँ हैं वो क्या करती है कि वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, कौन, प्रतिजैविक, ठीक है। अगर इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट देखे जाए तो प्रतिजैविक किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक होता है, क्या होता है, किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक होता है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रतिजैविक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, और प्रतिजैविक रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे, जो कि प्रायः मृतोपजीवी कवक, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रतिजैविक है वो कवक से प्राप्त है, फफूंदी से जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, तो इन पदार्थों में जीवाणुओं को समाप्त करने की अधिक क्षमता होती है, किसमें, प्रतिजैविक में। और कुछ हम प्रतिजैविक के नाम देख लेते हैं, ठीक है, तो पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है, और क्लोरोमाइसेटिन, मतलब 3 प्रतिजैविक हो जाएंगी, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसेटिन, ठीक है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसेटिन 3 प्रतिजैविक हो जाएंगे। और प्रतिजैविक क्या करता है, जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है।
तो रक्त के निस्कंदन में कौन सहायता करता है? तो आपने देखा होगा कि रक्त का थक्का जमना, ना जमना, पीएच मान। तो मित्रों हम ये सारे क्वेश्चन भी इसके साथ कवर कर रहे हैं। तो इसमें रक्त का थक्का जमने में सहायक करता है रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है, कौन काम करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। अब इससे और अतिरिक्त फैक्ट देख लेते हैं कि रक्त प्लेटलेट्स का निर्माण, अगर हम निर्माण की बात करें तो अस्थि मज्जा होता है, या आपने ये भी पढ़ा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। वैसे ही रक्त प्लेटलेट्स भी आरबीसी में सम्मिलित होती है, तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तथा इनका जीवन काल की अगर हम बात करें किसकी, प्लेटलेट्स की, तो 3 से 5 दिन होती है। तो 3 से 5 दिन होती है इनका जीवन काल तो रक्त प्लेटलेट्स का। और इनकी मृत्यु होती है तो जहाँ रक्त मरता है, मतलब जिसको हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं, प्लीहा या स्प्लीन, तो वहाँ पर क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है प्लेटलेट्स की। और इनका मुख्य कार्य रक्त के स्कंदन को बनाए रखना है, किसका? प्लेटलेट्स का, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ से अगर हम रक्त के पीएच मान की बात करें तो रक्त का पीएच मान हो जाएगा 6, ठीक है। और रक्त का थक्का बनने में सहायक है तो विटामिन के। तो मित्रों इतने क्वेश्चन हम यहाँ से कवर कर सकते हैं रक्त के स्कंदन से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों में पानी, ठीक है, पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। मतलब निम्न में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, बोरॉन, ठीक है। तो बोरॉन एक ऐसा तत्व है जो कि पौधों में पाया जाता है और पानी तथा कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, प्रकृति में खुले रहने पर निम्न में से कौन सी लकड़ी सबसे जल्दी खराब हो जाएगी? मतलब अगर हम खुली छोड़ दें लकड़ियों को तो सबसे पहले कौन सी लकड़ी खराब हो जाएगी? तो पहला ऑप्शन है मृदु लकड़ी, 2 है रेशेदार लकड़ी, और 3 है रसदार लकड़ी, और 4 है कठोर लकड़ी। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रसदार लकड़ी। तो रसदार लकड़ी में हम अगर देखा जाए तो सबसे पहले ख़राब होता है, आपने यदि केले का पेड़ देखा होगा तो उसमें बहुत अधिक पानी की मात्रा पाई जाती है, लगभग 98%, और इसे अगर काट दिया जाए 2 से 3 दिन में वो पूरा गल जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रसदार लकड़ियाँ, मतलब जिसमें पानी की अत्यधिक मात्रा होगी, वह सबसे जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकृति में खुले रखने पर कौन सी लकड़ी सबसे जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3, रसदार लकड़ी। तो आइए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, ठीक है, निम्न में से कौन विस्तृत प्रतिजैविक है, मतलब इस विस्तृत स्पेक्ट्रम मतलब फैला हुआ कौन सा प्रतिजैविक है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एम्पीसिलिन। तो एम्पीसिलिन एक ऐसा स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है जो कि विस्तृत होता है, बड़ा होता है। तो मित्रों इससे रिलेटेड और चीजें देख लेते हैं, तो एंटीबायोटिक बनाने में मुख्य स्रोत कवक और बैक्टीरिया है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एंटीबायोटिक बनाने में मुख्य स्रोत क्या है, कवक और बैक्टीरिया है। कुछ प्रचलित एंटीबायोटिक इस प्रकार है, उनके नाम मैं बता देता हूं आपको, एमॉक्सिलिन पहला हो जाएगा, एमॉक्सिलिन, 2 हो जाएगा एम्पीसिलिन, और 3 हो जाएगा टेट्रामाइसिक्लिन और टेट्रामाइसिन इत्यादि, ठीक है। और एम्पीसिलिन जो इसमें है ये विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, तो कौन हो जाएगा? तो एम्पीसिलिन सबसे विस्तृत क्या हो जाएगा, प्रतिजैविक हो जाएगा। तो मित्रों 6वें क्वेश्चन से हम इतना कुछ सीखते हैं, आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनी होती है? तो हमारे जो दांत और अस्थियां हैं वो आमतौर पर किससे बनी होती है? तो मित्रों आपने ये पढ़ा है कि कैल्शियम और फास्फेट से बनी होती है, पर यदि ऑप्शन घुमा के दे दिया जाए तो ये बनी होती है ऑप्शन नंबर 1, ट्राई कैल्शियम फास्फेट। तो दांत और अस्थिया कितनी बनी होती है? तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट से। मित्रों यहाँ आइए अस्थि की बात, तो अस्थि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको कि शरीर में सबसे बड़ी अस्थि पाई जाती है तो फीमर, जो जांग में होती है, और सबसे छोटी अस्थि की बात करें तो स्टेपिस, जो कि कान में होती है, और टोटल अस्थियों की बात करें तो एक वयस्क में होती है 206 अस्थियाँ, और उसके बाद अगर हम सर की बात करें, सिर्फ सर हमारा, तो उसमें 8 अस्थि होती है, कानों में 6 अस्थि होती है, और जो हमारा चेहरा होता है फेस, वो 14 अस्थियों से मिलके
बना होता है, और अगर हम गले के ऊपर पूरे अस्थि की बात करें तो टोटल ये 28 अस्थियों से मिलके बना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, कि निम्न में से किससे अंगोरा ऊन निकलता है। तो ठीक है मित्रों, आपको इसमें दो ऑप्शन आपको पढ़ने को मिलेंगे, यदि आप पढ़ रहे होंगे तो एक खरगोश भी मिलेगा और एक बकरी भी मिलेगा। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, खरगोश। और खरगोश इसलिए हो जाएगा कि अधिकतर, अब यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आया कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, तो ये खरगोश से भी निकाला जाता है और बकरी से भी निकाला जाता है, परंतु इसका एक्चुअल में रियल आंसर हो जाएगा खरगोश। और वो ये इसलिए कि अंगोरा ऊन सबसे अधिकतम मात्रा में निकाला जाता है किससे, खरगोश से, इसलिए हम इसका आंसर नंबर क्या बोल देंगे कि अंगोरा ऊन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये मध्य एशिया में निकाला जाता है, मतलब मध्य एशिया जो भाग है वहीं पर ये पाया जाता है। और अगर एक चीज़ और बात करें कि अंगोरा का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब अंगोरा की खोज कहाँ हुई थी अंगोरा ऊन की, तो ये मध्य एशिया में ही हुई थी। तो ठीक है मित्रों, ऐसे हमारा 8वां क्वेश्चन खत्म होता है। और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9वां, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा निम्न में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी कौन सी बीमारी की है जो कि महिलाओं में अधिक होती है कंपेयर टू पुरुष, ठीक है, फीमेल में अधिक होती है। तो मित्रों इसका आंसर नंबर हो जाएगा 4, गठिया रोग ऐसा होता है, गठिया बाय जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा रोग होता है जिससे जोड़ों में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जम जा, साइट्रिक अम्ल जम जाता है। कौन सा, साइट्रिक अम्ल। आपने लैक्टिक अम्ल के बारे में भी पढ़ा होगा, तो लैक्टिक अम्ल हमें थकान महसूस कराता है, जब हम अत्यधिक वर्क करके आते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ग्लूकोज किस में परिवर्तित हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में, जिससे जोड़े दर्द करते हैं। परंतु गठिया रोग जो है वो हमारे जोड़ों पर सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाने के कारण होता है। कौन सा, तो सिट्रिक अम्ल के जोड़ों पर जमा हो जाने के कारण गठिया रोग होता है, और ये पुरुष के कंपैरिजन में महिलाओं में अधिक देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम 9वें क्वेश्चन से इतना कुछ हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। तो फ्रेंड ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंटों को पता होता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो आपको पता होगा कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होती है। अब एक चीज और इसमें देख लेते हैं हम कि पीयूष ग्रंथि काम क्या क्या करती है। तो मित्रों ये चीजें आप याद रखिएगा कि शरीर का ताप, भूख प्यास, लिंग आचरण तथा शरीर की सुरक्षा आदि पर नियंत्रण का काम, मतलब क्या क्या हो जाएगा, शरीर का ताप, भूख प्यास, लिंग आचरण तथा शरीर की सुरक्षा आदि का निर्माण या नियंत्रण कौन करती है, तो पीयूष ग्रंथि करती है, और जो पाई जाती है कहाँ, मस्तिष्क में। और इसे एक फैक्ट और याद रखिएगा कि ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी या मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो आइए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां, कि स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा उपवास की सीमा तक GDL में क्या होती है, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि आपका जो शर्करा लेवल होता है, ठीक है, शुगर जिसको कहा जाता है, तो हर एक स्वस्थ मनुष्य में शुगर पाया जाता है, परंतु कितना होता है, तो मित्रों वो होता है एक उपवास के दौरान आपका होता है 70 से 100, और यदि आप उपवास नहीं होते हैं तो एक स्वस्थ मनुष्य में होता है 80 से 100। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, शुगर की मात्रा या शर्करा की मात्रा कहा जाता है, तो याद रखिएगा 70 से 100। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं कि यदि एक पेड़ है, ठीक है, यदि एक पेड़ है जिनके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं। तो हमने अगर देखा किसी पेड़ को कि उसको जब काटा तो पता चला कि उसमें कितने घेरे दिखाई दे रहे हैं, 50 घेरे, तो इसकी आयु कितनी होगी। तो मित्रों ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है, तो जितने घेरे दिखाई देते हैं किसी पेड़ को काटने पर उतने ही वर्ष का वो पेड़ होता है। तो मित्रों अगर इसमें 50 घेरे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कितने, 50, तो इसकी आयु भी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा, 50 वर्ष। ठीक है मित्रों, और इसको एक चीज़ और एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि वृक्ष वल्यों की संगणना द्वारा वृक्षों की आयु का आकलन करना, अगर वृक्षों की आयु का आकलन करना, एक साइंटिफिक नेम है इसका कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है झाड़ियों का अध्ययन, और ये जो किसी पेड़ की आयु ज्ञात करना, तो वो कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 4, 50 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं हम,
तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि प्याज निम्न में से किसका विकसित रूप है। तो प्याज निम्न में से किसका विकसित रूप है, तो मित्रों आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, यह है तने का विस्तृत रूप, कौन? प्याज। ठीक है, इसमें कुछ चीजें और देख लीजिए कि तने कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों तने तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूमिगत रूपांतरण, मतलब जो भूमि के अंदर ही रूपांतरण हो जाए तो पहला तना कहलाता है भूमिगत रूपांतरण। दूसरे प्रकार का तना हो जाता है अर्धवायवीय रूपांतरण, मतलब आधा वायु में और आधा जमीन के अंदर होता है, उसे बोलते हैं अर्धवायवीय रूपांतरण तना। और तीसरे प्रकार का तना होता है वायवीय रूपांतरण, मतलब ये पूरा का पूरा जमीन से बाहर रूपांतरित होता है। तो हमने देखा कि तीन प्रकार का तना होता है। इसी में अगर देखा जाए तो मित्रों आप अगर स्पीडी पढ़ रहे होंगे, ऐसी कोई वन लाइनर बुक पढ़ रहे होंगे, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट है जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैं उन्हें भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर भूमिगत रूपांतरण तने की बात करें तो कंद आता है सबसे पहले। तो कंद अगर देखोगे तो कंद की तरह होता है क्या? आलू। तो कंद के अंतर्गत हो जाएगा क्या? आलू, जो कि भूमिगत रूपांतरण तना हो जाएगा। फिर सलकंद, जैसे सलकंद का मतलब होता है बल्ब, या बल्ब का रूपांतरण क्या है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो होता है प्याज और लहसुन और लिली। प्याज लहसुन और लिली ये एक तना है, और किस प्रकार का तना है, तो सलकंद, या फिर इसे बल्ब कहा जाता है। और थर्ड प्रकार का भूमिगत तना होता है धनकंद, ठीक है, जिसके अंतर्गत आता है बंडा, अरबी, जिमीकंद और केसर। क्या होता है? धनकंद, ये भी भूमिगत तना है और इसके अंतर्गत आता है बंडा, अरबी, जिमीकंद और केसर। फिर फोर्थ प्रकार का भूमिगत तना होता है प्रकंद, ठीक है, प्रकंद आता है हल्दी और अदरक, ये किसके अंतर्गत आता है? प्रकंद के अंतर्गत। सेकंड हमने बताया था कि सेकंड प्रकार का तना होता है अर्धवायवी रूपांतरण, तो सेकंड प्रकार का तना होता है अर्धवायवी रूपांतरण, और इसमें पहला आता है ऊपरी भूस्तरी, जैसे है ना, पहला जो अर्धवायवी रूपांतरण, इसमें पहला होता है ऊपरी भूस्तरी, जैसे ये होता है ब्राह्मी, बूटी और घास। जो आपकी घास होती है वो भी क्या है? एक तना है। और ये कौन सा तना है? तो ये अर्धवायवी रूपांतरण तना है, और उसके अंतर्गत किसका कौन सा तना है, तो ये है ऊपरी भूस्तरी तना। सेकंड इसके अंतर्गत आता है स्टोलॉन, ये आता है स्टोलॉन, ये भी अर्धवायवी रूपांतरण तना है। ये आता है पुदीना, आपने पुदीना देखा होगा, जो कि हम मतलब जनरली यूज़ करते हैं गर्मियों के दिनों में, समर के दिनों में। तो स्टोलॉन के अंतर्गत आता है ये फफूंदी, जो कि अर्धवायवी रूपांतरण तना है पुदीना। थर्ड प्रकार का आता है इसमें भूस्तरी, ठीक है, भूस्तरी, इसमें आता है जलकुंभी और पिस्ट्रिया। जलकुंभी और पिस्ट्रिया ये भी आपका क्या है? एक तना है। फोर्थ नंबर का आ जाता है अंतः भूस्तरी, ये आता है सेवंती, सेवंती नाम सुना होगा आपने, तो अंतः भूस्तरी एक तना है। और वायवी रूपांतरण, आपको मित्रों ये जान के बहुत हैरान होगी कि ये भी तना है, मतलब जो फल आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गर्मी के दिनों में, कि वायवी रूपांतरण मतलब ऊपर रूप, वायवी रूपांतरण एक तना होता है, जिसे हम बोलते हैं स्तंभ प्रतान। तो स्तंभ प्रतान का एक उदाहरण है अंगूर, और हम अगर आपको बोले कि अंगूर एक तना का रूपांतरण है तो आपको भरोसा नहीं होगा, बट ये है, आप इसे याद रखिएगा कि अंगूर जो है, ग्रेप्स आपका, ये भी एक तना है, और ये वायवी रूपांतरण तना के अंतर्गत आता है, और इसे, ठीक है। अगला देखोगे तो नींबू और बेर, ये भी स्तंभ मूल कहा जाता है, और ये वायवी रूपांतरण तने के अंतर्गत आता है नींबू और बेर। और वर्णाभ स्तंभ, ये नागफनी जो होता है वो भी एक तना होता है, और अनानास भी एक तना होता है। तो मित्रों इस क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी मिली, और इसे एक से दो बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आप इस चीज़ को रिवाइज कर पाओ। और यदि आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी कि आप उससे लिखोगे भी और पढ़ोगे भी, तो रिविज़न ज़्यादा अच्छा होगा आपका। तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि मक्के में परागण कैसे होता है। तो मक्के में परागण होता है ऑप्शन नंबर 3, हवा द्वारा संक्रमण परागण से। हवा द्वारा संक्रमण परागण से मक्के में परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफी सामान्यता प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्सरे नहीं लेते हैं, ये एक हमारा क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है एक्स किरणें से एक्सपोज से आंतें फट जाती है। सेकंड ऑप्शन है एक्स किरणें
आंतों से होकर पार नहीं जा सकती। और थर्ड ऑप्शन इसका, एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंत से आर पार निकल जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है इसका कि एक्स किरणें में बहुत छोटे से एक्सपोज से भी आंतों में कैंसर हो सकता है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड कि एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों को पार कर जाती है। और मित्रों आप याद रखिएगा कि एक्स किरणें, अब यहाँ एक्स किरणें की बात हो रही थी, ठीक है, एक्स किरणें की, तो एक्स किरणें की खोज की थी रॉन्टजन ने, और ये हड्डियों के प्रतिबिंब को प्रत्यक्ष देखकर उनमें दरार विकृति और कई अन्य परिवर्तनों को जो स्वास्थ्य की समस्या का कारण बन सकती है उनका पता लगा सकती। कौन सी? एक्स किरणें। मित्रों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है और अक्सर ये समर के दिनों में देखी जाती है, गर्मियों के दिनों में। तो निम्न में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? तो आप जानते होंगे शुतुरमुर्ग आकार में सबसे बड़ा होता है और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। किसका? तो विश्व में पाए जाने वाले सारे अंडे, तो सबसे बड़ा अंडा इसमें होता है शुतुरमुर्ग का। और अगर कोशिका की बात करें कि इस पृथ्वी पर जितने जीव पाए जाते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि जो अंडा होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है, वो पूरा का पूरा एक कोशिकीय से मिलके बना होता है। तो मित्रों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो मित्रों हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो 17 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पूरे पूरे, और 18वें क्वेश्चन से आगे का वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक दिन में आपके दो वीडियो आ रहे होंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यदि आप कम से कम एक से दो बार यदि ये वीडियो देख लेते हैं, ये सीरीज़ देख लेते हैं, तो आई होप आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मित्रों ये वीडियो आप अधिक से अधिक दोस्तों फ्रेंड उन लोगों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सअप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जिससे कि उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके, ठीक है फ्रेंड। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।